नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, आप सबका स्वागत है मैथ्स की क्लास में। बच्चों, इसके पहले हमने 1 to 7 सीख लिया है, काउंट करना और लिखना। आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं। बच्चों, आपको बताना है मेरे हाथ में कितने पेंस हैं। आप काउंट करिए और बताइए कि मेरे हाथ में कितने पेंस हैं। ध्यान से बच्चों काउंट करना है, कितने पेंस हैं? 3। वेरी गुड, 1 2 3। ऐसे काउंट करना, 1 पेन 2 पेन एंड 3 पेन। टोटल कितने पेंस है मेरे हाथ में? 3 पेंस। वेरी गुड। अब बच्चों, मैंने इसमें एक और ऐड किया पेन, 3 एंड 1, 3 प्लस 1। टोटल अब कितने पेंस हो गए? 3 के बाद कितना आता है? 4। 1 2 3 एंड 4। ऐसे बच्चों, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड 6 के बाद 7 आता है। आपने सीखा है ना? सबसे पहला नंबर हमने कौन सा सीखा था? 1। उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 में एक और ऐड किया तो 4। टोटल 4। और 4 में अगर हमने एक और ऐड कर दिया तो 5, 5 में हमने और एक ऐड कर दिया तो 6, और 6 में हमने एक और ऐड कर दिया तो 7। टोटल कितने पेन से बच्चों? 7। तो 7 के बाद क्या आता है बच्चों 8। तो आज हम 8 सीखने वाले हैं, कैसे काउंट करते हैं। टोटल पेंस कितने बच्चों? 3, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पेंस। टोटल कितने पेंस हो गए? 8 पेंस। तो बच्चों, आज हम यही सीखने वाले हैं, 8 को कैसे काउंट करते हैं और कैसे लिखते हैं। उससे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ नंबर जो आपने पहले सीखा है बोर्ड पर लिखूंगा और आपको पहचान कर बताना है कि वे कौन से नंबर्स हैं। रेडी हो आप लोग? वेरी गुड, ध्यान दो सब लोग। लेसन का नाम है अंडरस्टैंड एंड राइट 8। वेरी गुड, अंडरस्टैंड एंड राइट 8। आज हमको 8 लिखना सीखना है और काउंट करना सीखना है। ध्यान देना बच्चों, मैं नंबर्स लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है कौन सा नंबर मैंने लिखा है। सबसे पहले बच्चों, दिख रहा है ना आप सबको कौन सा नंबर है? पहचान कर बताओ। 3। वेरी गुड, कौन सा नंबर है? 3। और ये बच्चों कौन सा नंबर है? लास्ट टाइम हमने सीखा था लास्ट क्लास में, 7। शाबाश। उसके बाद बच्चों, ये कौन सा नंबर है? 1। सबसे पहले हमने 1 सीखा था, उसके बाद 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको ऐसे नंबर्स पहचानने आने चाहिए और काउंट करना भी आना चाहिए। अभी मैंने आपको पेन दिखाया ना, पेन को काउंट करके कितने पेन्स हैं, कितने फिंगर्स हैं, कितने घर में ग्लासेस हैं, कितने स्पून्स हैं, ये सब आपको काउंट करने बिल्कुल आना चाहिए। जैसे मैं कुछ बीट्स ड्रॉ कर रहा हूं, आपको काउंट करके बताना है कितने हैं। कितना बीट है? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने बीट्स है बच्चों? ये 5 बीट्स है। ऐसे हमको काउंट करना, 1 2 3 4 एंड 5, 5। और यहां बताओ बच्चों, टोटल एरोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एरोज है। इसके आगे हमको 5 लिखना है, 5। और इसके आगे कितना लिखोगे? 7। आपको मैंने होमवर्क में दिया था ना, सब सिखाया था ना पहले। वेरी गुड बच्चों, तो आज हम लोग अपने बुक में देखते हैं 8 के बारे में, 8 कैसे काउंट करते हैं और कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, लेसन का नाम है अंडरस्टैंड एंड राइट 8। यहाँ पे बच्चों सबसे ऊपर आप देखो, जैसे हर लेसन में जो हम सीखते हैं उससे संबंधित कुछ पिक्चर रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ट्रेन की बोगीज बनी हुई है। यहाँ पे ध्यान दो, इनको आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं? 8 बोगीज हैं। काउंट करो, ट्रेन में बोगीज रहती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 बोगीज हैं बच्चों। और उसके बाद ध्यान से नीचे देखो आप लोग, इस पोर्शन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 8। यही हमें सीखना है, 8 कैसे काउंट करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आज बच्चों हम लोग
ये अपने बुक का ये पेज देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देखो, जो ये सर्कल है ये वाला, यहाँ पे क्या बना हुआ है, लॉक्स बने हुए हैं, ताला देखे हो ना आप लोग, दरवाजे में लगाते हैं, कबर्ड में लगाते हैं। ओके, तो बच्चों इन लॉक्स को हमको काउंट करना है, कितने हैं आपको काउंट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, कितने लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 लॉक्स हैं। बच्चों सेकेंड पिक्चर में देखो, जो सेकेंड सर्कल है यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, इस सर्कल में क्या बना हुआ है, बैडमिंटन, आप खेलते हैं ना बैडमिंटन, वेरी गुड, इन्हें भी हमको क्या करना है, काउंट करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल कितने हैं, 8 बैडमिंटन्स हैं। बच्चों इसके नीचे जो है एकदम देखो ब्लैंक सर्कल दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, देखो रीड करो यहाँ पे, ड्रॉ 8 बीड्स, हमने पहले भी किया है ना बच्चों, 6 के टाइम पे 7 के टाइम पे किया था ना, ऐसे बीड्स ड्रॉ करना है, जितना भी कितना बीड्स ड्रॉ करना है, यहाँ पे 8, 8 मन के हमको यहाँ पे क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, छोटे छोटे आप पेंसिल से इसे ड्रॉ कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 बीट्स हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप अपने नोटबुक में 8 बीट्स ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप यहाँ पे लिखा हुआ है 7 एंड 1 मेक 8, मतलब 7 और 1 मिलकर क्या बनते हैं, 8 बनते हैं। हमारे पास 7 पेन है, उसमें एक पेन और मिला दिए तो कितने पेन्स हो जाएंगे, 8 पेन्स। उसी तरह बच्चों इसके नीचे देखो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को काउंट करो, एक हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं, 5 फिंगर्स होते हैं, इसमें देखो कितने फिंगर्स हैं, 5, और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, तो 5 के बाद 3 काउंट करो, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हो गए, 8 फिंगर्स हैं बच्चों। ओके बच्चों समझ में आया, तो बच्चों समझ में आ गया ना 8 कैसे काउंट करते हैं। आपके घर में जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे ग्लास है, स्पून्स है, बॉक्सेस हैं, आप मार्बल्स खेलते होंगे तो मार्बल्स लेके काउंट करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती बच्चों, उन्हें काउंट करने की प्रैक्टिस करनी है। 8 तक हमने सीख लिया है, आगे भी हम सीखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना 8 कैसे काउंट करते हैं, वेरी गुड। आपको घर में आपके पास जैसे बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनको काउंट करके प्रैक्टिस करना है, नंबर्स कैसे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कैसे हम काउंट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज लो घर में, जैसे पेन्स हो गए, आपके घर में बहुत सारे पेन रखे होंगे, पेन काउंट करो, आपके पास कितने पेन है, आपके पास कितने रबर हैं, आपके पास कितने पेंसिल्स हैं, आपके पास कितने नोटबुक्स हैं, घर में कितने बॉटल्स हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीखने में मदद मिलेगी। बच्चों घर पर ही रहना है, बिल्कुल बाहर घूमने जाना नहीं है, और हमेशा हाथ मुंह हाथ साबुन से अच्छे से धोकर ही खाना खाना है या कुछ छूना है, और अपने चेहरे को, आंख को, नाक को, मुंह को बिल्कुल हाथ सैनिटाइज किए बिना हाथ नहीं लगाएंगे। ओके बच्चों।